दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा, आपके अंदर आग ना लगे तो तुरंत वीडियो को डिसलाइक कर देना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो कि अपने देश का बेस्ट राइट हैंड शूटर था। वह किसी भी ओलंपिक में जाता वहां से गोल्ड मेडल ही लाता। सभी देशवासियों को कन्फर्म हो गया था कि 1940 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल इस बंदे को ही मिलेगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1938 में एक मिलिट्री के ट्रेनिंग के दौरान इस बंदे के राइट हैंड में ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, लेकिन इस बंदे ने उस हाथ पर फोकस नहीं किया जो इसके पास नहीं था। उसने अपने उस हाथ पर फोकस किया जो उसके पास था, जो कि लेफ्ट हैंड था। उसने अपने लेफ्ट हैंड से दिन रात प्रैक्टिस किया और अब 1940 ओलंपिक का समय आ गया था और इस बंदे ने अपना निशाना सीधे गोल्ड पर दागा। जी हाँ दोस्तों, मैं कैरली की बात कर रहा हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी हार नहीं माना। थैंक यू।